Hello friends, good morning. Today we will read the unit 6 of English. The name of the chapter of this unit is The Donkey and I Had a Little Pony and The Cruel Boy. आज हम इन chapters को क्या करेंगे पढ़ेंगे. So let's start, read and enjoy this poem. आइए हम इसको क्या करते हैं पढ़ते हैं. पहले chapter का नाम क्या है, The Donkey. लिखा है, If I had a donkey and he wouldn't go, would I wallop him? No, no, no. अब यहाँ पे कह रहा है कि If I had a donkey, यदि मेरे पास एक donkey होता, means मेरे पास एक गधा होता, and he wouldn't go, और वो नहीं जा रहा है कहीं, means कहीं move नहीं करता, तो would I wallop him? तो क्या मैं उस पे प्रहार करता, मारता? No, no, no. नहीं, नहीं, नहीं. I had find a little hay. मैं उसके लिए थोड़ा सा क्या प्राप्त करता, भूसा. hay means होता है भूसा. And give him some corn. और मैं उसे कुछ मक्के देता. Then he would be the best donkey that ever was born. तो वो सबसे अच्छा गधा होता जो अभी तक पैदा हुआ है. तो आप यहाँ पे देख लिए कि इस तरीके से हमें इस पोएम के, हमने इस पोएम के बारे में पढ़ा, जाना और वर्ड मीनिंग. अब यहाँ पे देख पा रहे हैं कि कुछ जो सिमिलर साउंड होते हैं, जैसे गो और नो, ये इसकी साउंड जो है सिमिलर है, तो इसे हम राइमिंग वर्ड्स कहते हैं. यहाँ पे कॉर्न और बॉर्न, इसका जो सिमिलर साउंड मिल रहा है इस तरीके से, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम राइमिंग वर्ड बोलेंगे. सो लेट्स प्रोसीड नेक्स्ट. अब हम आगे बढ़ते हैं. यहाँ पे देख पा रहे हैं कि एक छोटा सा बच्चा है जो इसके सामने क्या रखा हुआ है, इसके सामने ये हे रखा हुआ है, मीन्स ये कुछ भूसे रखे हुए हैं, है ना, उसको खाने के लिए. और हाथ में ये बच्चा लिया है कॉर्न लिया है, मीन्स मक्का लिया है, इसको क्या करने के लिए, खिलाने के लिए, जैसा कि हमने चैप्टर्स में पढ़ा. सो लेट्स प्रोसीड नेक्स्ट. आगे बढ़ते हैं. अगर आगे हमारा जो चैप्टर्स का नाम है, आई हैड अ लिटिल पोनी. हमारे पास एक क्या है, पोनी है. पोनी मीन्स क्या होता है, बेबी हॉर्स को हम क्या बोलते हैं, पोनी. जैसे पपी बोलते हैं ए बेबी बेबी डॉग को, ठीक है, किटन बोलते हैं ए बेबी कैट को, तो उसी तरीके से ए बेबी हॉर्स को हम क्या बोलते हैं, पोनी. यहाँ कह रहा है, आई हैड अ लिटिल पोनी, हिज नेम वॉज डैपल ग्रे. मेरे पास एक लिटिल पोनी था, इसका नाम क्या था, डैपल ग्रे. आई लेंट हिम टू ए लेडी, मैंने उसे एक लेडी को, लेंट मीन्स उधार देना, मैंने उसको उधार दिया, टू राइड ए माइल अवे, कि तुम एक दिन के लिए मैंने, या कुछ दिन के लिए मैंने उधार दिया कि तुम जाओ उसको एक मील उस पर सवार हो जाओ, यानी एक मील की सवारी करो. सी विप्ड हिम, सी लैस्ड हिम, उसने उसको क्या किया, विप किया, मीन्स चाबुक मारा. सी लैस्ड हिम, उसने उसको बांध दिया. सी ड्रो हिम थ्रू द मायर, मायर मीन्स होता है कीचड़, मड कह सकते हैं इसको अनदर हैंड से, अनदर वर्ड में. सी ड्रो हिम थ्रू द मायर, वो उसे कीचड़ में ले गई. आई वुडंट लेंड माई पोनी नाउ, अब मैं अपने पोनी को किसी को नहीं दूंगी, लेंड मीन्स होता है देना. फॉर ऑल द लेडीज हायर, मैं किसी भी लेडी को, हायर मीन्स होता है किराए पर देना, अब मैं किसी भी लेडी को किराए पे अपने पोनी को नहीं दूंगी, ऐसा ये बच्ची क्या कर रही है, कह रही है. इसमें न्यू वर्ड्स है, न्यू वर्ड्स में आप देख रहे हैं, डंकी, डंकी मीन्स बताए दे आपको गधा होता है. वेलप मीन्स होता है मारना, ठीक है, प्रहार करना, स्ट्राइक. लेडी, लेडी मीन्स औरत. विप मीन्स होता है चाबुक मारना. एंड लेंट, लेंट मीन्स होता है उधार देना. लैस मीन्स होता है बांधना. मायर, मायर मीन्स आपको बताए हैं मड, मड मीन्स कीचड़. हायर, हायर मीन्स होता है किसी को किराए पर रखना. नेक्स्ट, नेक्स्ट हम देखें द क्रूएल बॉय. द क्रूएल बॉय मीन्स क्या होता है, निर्दयी बच्चा. आप देख पा रहे हैं एक बंदर पिंजरे में बंद है. यहाँ पे लिखा हुआ है द मंकी इज इन ए केज, बंदर एक पिंजरे में है. ए बॉय लुक्स एट द मंकी, एक बच्चा उस बंदर की तरफ देखता है. ही गिव्स इट ए स्वीट, वो उसे एक मिठाई देता है. द मंकी ओपन्स द पेपर, और उस मिठाई के ऊपर जो पेपर लगा होता है वो उसे खोलता है मंकी. देयर इज ए स्टोन इनसाइड, और मिठाई की जगह पे उसमें क्या होता है, स्टोन होता है, पत्थर होता है. द पुअर मंकी इज सैड,
बेचारा बंदर दुखी हो गया और दुखी होकर उसके मन से या उसके मुंह से एक बात निकली, उसने बोला क्या, क्रूएल बॉय। क्रूएल बॉय मीन्स निर्दयी बच्चा। तो इस तरीके से हम लोगों ने ये चैप्टर्स पढ़ा। अब इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं, हम इसको देखते हैं। आर दी सेंटेंस राइट और रॉन्ग? ये नीचे जो सेंटेंस दिए गए हैं वो राइट हैं या रॉन्ग है? द मंकी इज इन द फॉरेस्ट। मंकी किस में था? जंगल में था? नहीं, ही वॉज इन द केव। वो किस में था? केव, पिजड़े में था। द बॉय गिव्स द मंकी ए स्टोन, यानी बच्चे ने मंकी को क्या दिया, एक स्टोन दिया, ये सही है। लिखा है द मंकी थिंक्स इट इज ए स्वीट। मंकी ने सोचा कि ये क्या है, स्वीट है। तो बिफोर ओपनिंग द रैपर ही थिंक्स इट वॉज ए स्वीट, ये सही है कि पहले उसने सोचा कि ये स्वीट है। द मंकी लाइक स्वीट, स्वीट को पसंद करता था, ऐसा पसंद करता है, ऐसा इसमें मतलब पसंद करता है, तभी उसने सोचा, यहाँ पे ऐसा ट्रू है। द मंकी इज सैड, यानी मंकी क्या था, सैड है। सैड मीन्स दुखी, तो ये भी बात सही है। तो इसमें एक फॉल्स हो गया और जितने हैं सब क्या है, ट्रू है। तो फ्रेंड्स आज इतना करिए, फिर नेक्स्ट हम नेक्स्ट इसके क्वेश्चन आंसर में हम नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।